हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आप सभी पीएफ मेंबर के लिए एक बहुत अच्छी और हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूं जी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपका फादर्स नेम चेंज है, आपके बैंक की केवाईसी हुई है, मतलब दोस्तों आपकी बैंक की केवाईसी कंप्लीट हुई है, तो दोस्तों आप बताओ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है ईपीएफओ ने, तो दोस्तों वो भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से वो रिजेक्ट हुआ है। और आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा रिजेक्ट के सामने, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है। तो दोस्तों हम आपको इसमें आप कंप्लीट जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से आप पहले हम आपको बता देते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ दोस्तों यदि वीडियो आपको लास्ट तक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको इस प्रकार की हम हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बताते हैं, दोस्तों मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, फिर आपको फिर से मिलता हूँ। पहले आपको सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। जैसे ही दोस्तों आपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए एडवांस वाला फॉर्म 31 भरा, ठीक है दोस्तों, कोई भी फॉर्म भरा और आपके सामने देख सकते हैं नीचे ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने 28 तारीख को, तो मेरे यहाँ 28 तारीख को ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो दोस्तों उसका कारण क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है योर क्लेम आई डी है दोस्तों, जो कारण है दोस्तों रिजेक्टेड ड्यू टू बैंक डिटेल इन केवाईसी क्लेम मिसमैच, ठीक है दोस्तों, विद अपलोडेड बैंक पासबुक, प्लीज अपलोड बैंक पासबुक एज इन केवाईसी, ठीक है दोस्तों, यूएन क्लेम कैंसिल चेक नॉट एज पर केवाईसी डिटेल, ठीक है दोस्तों, जो भी आपने पासबुक अपलोड की है, ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों आपने पासबुक अपलोड की है और बैंक केवाईसी हुई है दोस्तों, वो दोनों ही अलग हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी आपका, ठीक है दोस्तों, हम आपको बताते हैं दोस्तों ये क्यों ऑप्शन आपके सामने रिजेक्ट होके आया है, क्योंकि दोस्तों आपने बैंक केवाईसी तो कर ली, लेकिन दोस्तों अभी जो बैंक अभी मर्ज हुए हैं, मर्ज होने के बाद उनकी पासबुक क्या है दोस्तों, चेंज हो गई है, ठीक है दोस्तों, चेंज होने के कारण उनका दोस्तों आईएफएससी कोड भी चेंज हो गया है दोस्तों, सब कुछ चेंज हो गया है। चेंज होने के कारण दोस्तों उनके पास तो पुराना वाला केवाईसी हुई पड़ी है दोस्तों, और अब आपकी ये करंट वाली पासबुक आपने अपलोड करी होगी, तो दोस्तों मेरे दोस्तों इसमें क्या करना होगा आपको, आपका जो भी नया बैंक है, जो भी आपका नया बैंक में मर्ज हुआ है, मर्ज हुए बैंक की पासबुक से आपको दोबारा बैंक की केवाईसी करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आप जैसे ही बैंक केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी एम्प्लॉयर के द्वारा केवाईसी अप्रूव्ड होने के बाद, दोस्तों मैंने आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर बता दिया कि क्या आपके सामने रिजेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा था, क्या कारण था रिजेक्ट होने का। दोस्तों रिजेक्ट होने का कारण क्या था, वो दोस्तों कि आपकी जो भी बैंक केवाईसी है, ठीक है दोस्तों, और आपने जो भी पासबुक या चेक अपलोड किया है, वो दोनों मिसमैच हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपने जो भी बैंक मर्ज किया है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है अब आपने मर्ज किया हुआ बैंक की पासबुक लगाई हो और आपका जो भी बैंक था पहले उसकी आपने केवाईसी कर रखी हो, क्योंकि दोस्तों अब जो केवाईसी की गई है उसका आईएफएससी कोड और अब की केवाईसी की है आईएफएससी कोड अलग हो गया, तो दोस्तों उसका डाटा मिसमैच हो गया ना, तो इस कारण से आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जो मर्ज हुए बैंक है, मर्ज हुए बैंक की केवाईसी आपको करनी होगी, ठीक है दोस्तों। आपकी मर्ज हुई केवाईसी करने के बाद जैसे ही आपकी केवाईसी हो जाती है कंप्लीट, फिर आपको फॉर्म भरना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो और लाता रहूँगा दोस्तों। फिर भी दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आए पीएफ से संबंधित, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं आपको हमेशा 7 से रात के 9 बजे तक आपको हेल्प करने के लिए उपलब्ध रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।